शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं 31 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा तिथि है। 30 और 31 दोनों ही तिथियों पर श्रावणी पूर्णिमा तिथि है। सावन का यह अंतिम दिन है, आखिरी मौका है जब आप अपने घर में महादेव की कृपा पा सकते हैं। साथ ही में पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन पूर्ण दिन पर माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर आप ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और माता लक्ष्मी को अर्ध रात्रि में एक छोटी सी चीज अर्पित कर अपने घर में स्थायी रूप से वास करा सकते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज है जिसे आपको माता रानी को अर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी को आपको 5 लाल पुष्प अर्पित करने हैं। जी हाँ, 5 लाल पुष्प और 5 कौड़ियां। कौड़ियां आप सभी जानते हैं माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है, रूप है जिसमें माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तो आपको क्या करना है, कौड़ियां ले लेनी है 5, और 5 ही लाल वाले पुष्प, लाल गुलाब भी ले सकते हैं या आप कमल के पुष्प भी ले सकते हैं। इन दोनों चीजों को लेकर रात्रि में, अर्धरात्रि यानी कि 12 बजे की रात में आपको भगवान चंद्रदेव को प्रणाम कर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी है आपके घर के मंदिर में, वहां पर आप माता लक्ष्मी के चरणों में 5 गुलाब के लाल पुष्प अर्पित कर दें या कमल के हो तो कमल के अर्पित कर दें। साथ ही में जो कौड़ियां आपने ली है उन पर आपको कुमकुम और हल्दी, जी हाँ कुमकुम, हल्दी या केसर जो भी आपके पास है वह लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। माता लक्ष्मी के लिए चौमुख दीपक जलाएं, आपकी कामना माता लक्ष्मी अवश्य सुनेंगी और आपके घर में पूरे साल के लिए निवास करेंगी। इस एक उपाय को करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।